the topic we are going to discuss further is managing research data once the data has been collected we have to devise different thing on the basis of that data data are the most important outputs of research process these can be used to either accept or reject a hypothesis or even to frame a new hypothesis data management therefore is very crucial even after the completion of the research we understand that uh, the hypothesis could be something विच हैज़ प्रोवाइड द बेसिस टू एक्सेप्ट समथिंग एंड एट टाइम्स वी थिंक दैट ये हाईपोथिस अगर हमारा एक्सेप्ट नहीं हो रहा तो वी हैव टू कस्टम टेडर इट एंड वी हैव टू डिज न्यू हाईपोथिस इस सारे प्रोसेस के अंदर जो डाटा मैनेजमेंट है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल कॉन्ट्रीब्यूट कर रही होती है डाटा मैनेजमेंट कैन इंक्लूड द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स डाटा ओनरशिप इट इम्प्लाइज ओनरशिप ऑफ द लीगल राइट्स ऑफ द रिसर्च डाटा ड्यूरिंग एंड आफ्टर द रिसर्च प्रोजेक्ट द इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर इंक्लूड फंडर्स रिसर्च इंस्टीट्यूशन प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर्स एंड इवन डाटा सोर्सेज जब हमारा डाटा जो है वो कम्प्लीट होकर हमारे पास आ जाता है तो उसकी जो ओनरशिप है वो uh, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी जो ओनरशिप है वो बेसिकली रिसर्च के दौरान और रिसर्च के बाद भी uh, हमेशा आपके पास रहती है जैसे हम कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक नेशनल हेल्थ सर्वे कंडक्ट किया नाउ दैट नैशनल हेल्थ सर्वे इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ दैट डिपार्टमेंट बाई द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हु हैव कंडड दैट रिसर्च तो अब उस डाटा को उसकी इम्पोर्टेंस सिर्फ उस ईयर में नहीं रहेगी जब उसको डाटा को जो है वो गैदर किया गया उसकी इम्पॉर्टेंस आने वाले बाकी तमाम सालों में इसलिए रहेगी कि अगर हम नेशनल हेल्थ सर्वे टू थाउजेंड सेवन के रिजल्ट को कम्पेयर करना चाहें तो हम कर सकते हैं टू थाउजेंड एंड ट्वेल्व के रिजल्ट के साथ लाइक अगर कोई हेल्थ का स्टेटस डिफरेंट चीज़ों का 2007 में क्या था और फिर वो 2012 में क्या था तो इसलिए दो का डाटा हमारे लिए हमेशा ही इम्पोर्टेंट रहेगा हम कभी भी उसकी इम्पॉटेंस को अंडरमाइन नहीं कर सकते इसी तरह जो सेंसिस का डाटा होता है इसी तरह वो डिफरेंट एपिडेमिक्स में जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो डाटा होता है जैसे इस पूरी जो कोविड की वेव थी इसके अंदर कोविड की वजह से कितनी जो है वो हेल्थ डिजास्टर हुआ उसका जो स्टिस्टिक्स है वो हर वेव का वेव वन टू वेव फाइव ज इम्पॉर्टेंट क्योंकि हमें ये देखना जरूरी है कि किस वेव में कितनी ज्यादा जो है वो हमें आ, आ, किस तरह की जो है वो हेल्थ प्रॉब्लम्स लोगों ने फेस किए और उस को के लोग जो थे वो उनकी डेथ की कॉजेस जो थी वो क्या थी सो बेसिकली डेटा इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट और वो कभी भी उसकी इंपॉर्टेंस रिसर्च की कंप्लीशन के बाद भी कम नहीं होती देन डेटा कुलेक्शन इट इम्प्लाइज कंसिस्टेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल्ड कुलेक्शन ऑफ डेटा फ्यू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इंक्लूडिंग ऑबिंग रिक्वायर्ड

आजकल डेटा स्टोरेज के लिए हमारे पास बहुत सारी डिवाइसेज हैं जिनमें हम अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं जो कि ई सोर्सेज में ही है या वो हमारे पास फिजिकल सोर्सेज भी हैं तो जो बेस्ट अवेलेबल सोर्स हो उसमें हमें अपने डाटा को प्रोटेक्ट करना चाहिए डाटा स्टोरेज इज इंपॉर्टेंट टू री चेक द फाइंडिंग्स एंड टू प्रायोरिटाइज रिसर्च एक्टिविटीज टास्क एंड टू बी री एनालाइज बाई अदर्स एज आई जस्ट राइटली कि अगर एक डाटा की कलेक्शन 2007 में हुई और उसके बाद लेट्स ए कि आफ्टर वन हंड्रेड इयर्स वी नीड दैट डाटा टू री एनालाइज बाय समल्स टू सी वट आर द मेजर चेंजेस वी कैन सी ड्यूरिंग दिस सेंचुरी तो वो डाटा अगर स्टोर नहीं होगा तो वी कैन नॉट यूज दैट डाटा टू डू एनी काइंड ऑफ एनालिसिस फर्दर देन डेटा शेयरिंग इट एम्प्लाइज डिसाइडिंग वट टू शेयर एंड विद टू होम जनरल पब्लिक और विद अदर रिसर्चर्स या वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है या वो कोई लीगल अथॉरिटी की प्रॉपर्टी है टू शेयर द प्रिलिमिनरी डाटा और फाइनल रिजल्ट और क्या हम ओरिजिनल डाटा सोर्स किसी को दे रहे हैं या हम उसको फाइनल स्टेटिस्टिक्स दे रहे हैं जैसे एक एस की फ़ाइल की एग्जाम्पल दूंगी जो कि स्टूडेंट्स के लिए वेल अंडरस्टूड होगी कि एस की जो एक कम्प्लीट डाटा फाइल है हम वो भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं या हम उनसे किसी स्केल्स के टोटल भी शेयर कर सकते हैं सो so, अगर हम टोटल शेयर करेंगे तो वन कैन नॉट हैव एनी ऑथराइजेशन टू डू एनी काइंड ऑफ डुप्लीकेशन इन डाटा लेकिन अगर हम उसको पूरा कम्प्लीट फाइल दे देंगे जिसके अंदर जो है वो सारी एंट्रीज शामिल होंगी तो वो उस डाटा को डिफरेंट तरीक़ों के साथ एनालाइज करके अपनी मर्जी के रिजल्ट्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं डाटा विद होल्डिंग इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रिसर्चर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैंटेन द इंटेग्रिटी ऑफ रिसर्च डाटा रिसर्च की जब हम बात करते हैं तो इंटेग्रिटी ही की हम बार बार बात करते हैं क्योंकि अगर वो डाटा किसी भी तरह फॉल्सिफाई हो जाता है या हम उससे कुछ रिजल्ट जो हैं उनको उनकी मिलिपलेशन से कुछ आ, ऐसे मीनंगस निकाल लेते हैं जो जस्टिफाइड और राइटियस नहीं होते तो वो इट्स एक बहुत बड़ा क्राइम होता है the group members involved in handling of the data should maintain privacy and confidentiality of the data while recording of hard copy or electronic evidence system library data kiya data because that data could be used by any other person and they can just probably change the name of the variables and they can use that data for any other purposes

उसकी एंट्रीज को चेंज करता है कुछ को डिलीट करता है कुछ को डुप्लीकेट करता है और एक नया रिसर्च एनालिसिस और आउटपुट निकाल के प्रेजेंट कर देता है दिस इज समथिंग वेरी एथिकल ऑन द पार्ट ऑफ द ह्यूमन सब्जेक्ट्स बिकॉज वो रिसर्च अगर पब्लिश होगी तो उस रिसर्च की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होगी लेकिन कुछ लोग उस रिसर्च को साइट करेंगे उस रिसर्च के रेफरेंस देंगे और उसकी बेसिस के ऊपर अपने रिजल्ट को डिस्कस करेंगे एंड दिस इज ऑल कंसिडर्ड इन टू ए अनएथिकल प्रैक्टिस And we should be very careful in storing and sharing of our data, and we should keep our data very confidential.